फ्राइडे को लेकर के अपने कैसे क्या कार्यक्रम रखा गया? आज गुड फ्राइडे है और आज हमने सुबह 9 बजे यहाँ पर आराधना की जो लगभग 1 घंटे चली। उसके बाद फिर हमने दोपहर 12 बजे से और अभी 3 बजे तक यहाँ पर आराधना की। प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर से कहे हुए 7 वचन, जिन्हें 7 वाणियाँ भी बोली जाती हैं, उन पर उपदेश हुए, उन पर व्याख्या की गई और लोगों को आत्मिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया गया कि हम प्रभु यीशु मसीह के नमूने पर चलते हुए लोगों के साथ भलाई का व्यवहार करें, दीनता नम्रता का व्यवहार करें, सबके साथ अच्छा करें, पूरी मानव जाति के लिए प्रार्थना करें, सब दुखियों की सहायता करें। ये सारी बातों पर जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पाई जाती हैं, हमने उन पर यहाँ पर उपदेशों में गौर किया और ये प्रण लिया है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के पदचिन्हों पर चलने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, ताकि जिस उद्देश्य के लिए ईश्वर ने हमें दुनिया में रखा है कि सबका भला हो, सब दुखियों को मदद मिले, सब भूखे प्यासों को रोटी पानी मिले, सब बीमारों की देखभाल हो, उनका सबका अच्छा हो, पूरी दुनिया का अच्छा हो। हमने प्रार्थना भी की कि परमेश्वर सबकी भलाई करे, सबको अपने अनुग्रह में संभाल के रखे, कोई संसार में दुखी ना रहे, कोई मुसीबत में रहे, कोई बीमार ना रहे। यहाँ पर प्रार्थनाएँ हुई और यही प्रार्थना हमारी इस चैनल को देखने वालों के लिए है के और जो चैनल चलाते हैं उनके लिए है कि हमारा यही संदेश है जो प्रभु यीशु मसीह ने हम तक पहुंचाया कि हम सब के लिए, अपने पूरे शहर अजमेर के लिए, अपने राजस्थान के लिए, अपने पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर सबको कुशल से रखे और सबको अपनी आशीषों में, अपने अनुग्रह में रखे। मेरा नाम फादर F.W. फिलिप्स है। आज गुड फ्राइडे का कार्यक्रम था हमारा। जीसस ने हमारे पापों के कारण अपने जीवन का बलिदान किया और उन्हें सिखाया कि हम भी अपने जीवन को उससे मिला के रखें, ताकि हम हर एक इंसान से प्रेम कर सकें, हमारे गुनाहों का पश्चाताप कर सकें। और ईश्वर ने हमें ये सिखाया कि हम उसकी संगत में रहें और किसी भी बुरी संगत में न रहें। अपने जितने भी बुरे काम किए उनको हम पश्चाताप करें, हर एक इंसान को माफ़ करें और क्षमाशीलता, प्रेम, सहयोग, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। अपनी जान देकर उसने हमारे को, हमारे गुनाहों को माफ़ किया और हमें उद्धार, हमारा उद्धार किया। आज गुड फ्राइडे था तो मैम क्या चर्च में कार्यक्रम था और कौन सा चर्च है मैम, किस जगह पे? ये चर्च सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च है। हमारे जो याजक हैं बड़े, वो हैं पादरी फिलिप, रेवरेंड फिलिप। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है शिरेन एलिजबेथ शिरेन लवर्ड। फ्राइडे को लेकर के क्या कार्यक्रम रखा गया यहाँ पर? ऐसा है कि हम ये यीशु मसीह की इस दिन सलीबी मृत्यु हुई थी और पापों से छुटकारे का एक नियम जो परमेश्वर की तरफ से बनाया हुआ है वो ये है कि बिना खून बहाए मनुष्य का की आत्मा का उद्धार नहीं है। तो इस दिन खुदावंद यीशु मसीह जो उस प्लान को जो खुदा ने उन्हें दिया था, उस प्लान को उन्होंने सलीब पे पूरा किया अपनी जान दे करके, हम सबके गुनाहों को लेकर के, क्योंकि मनुष्य जाति में कोई ऐसा जन नहीं था जो कि ये काम को कर सके, इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा और उसके पुत्र के वसीले से हमें नजात मिली। और हमारा विश्वास है कि हम जैसे थे आदि में, जैसे कि हम आत्मा में थे और परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप था, और इसके द्वारा दोबारा से हमारा परमेश्वर से वापस मेल मिलाप हो गया। ये शरीर का बदन जब हम छोड़ेंगे तो हम यीशु मसीह के माध्यम से हम उनको पिता के साथ में मिल जाएंगे। किस तरह से पैर की जाती है आज और क्या? हाँ, इसमें हम लोग नम्रता दीनता से उपवास के साथ में परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और हम अपने मनों को जांचते हैं और हम अपने आप को इन वैसे हमारे 40 दिनों से हम ये प्रोसेशन कर रहे थे कि हमारी आत्मा नम्र हो, दीन हो, हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करें, हम संसार में ऐसे एक नमूना बन के रहें ताकि और भी लोग हैं वो हमसे सीखें कि मनुष्य के साथ किस तरीके से मेल मिलाप से रहे। इस तरीके आपका नाम? आज मोहिनी पॉल। कौन सा चर्च है और किस जगह में? ये सेंट लूक, ये सेंट CMC अजमेर।